तो हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने से तबाही की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। अभी तक 40 लोगों के लापता होने की खबर है और 9 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं, कई गाड़ियां बह गई हैं। इलाके का स्कूल भी बाढ़ में बह गया। शिमला के रामपुर झाकड़ी समेत खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नज़दीक गुरुवार तड़के बादल फटने की सूचना मिली। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी पुष्टि की। भारी बारिश के बाद कई जगह सड़क मार्ग बंद होने की वजह से राहत बचाव दल उपकरणों के साथ घटना स्थल पर 2 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट किया है। मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। तो ऐसी ही कोई तस्वीर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में मंगलवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई। टिहरी में पहले भारी बारिश हुई और उसके बाद बादल फट गया, इससे 3 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ मार्ग पर भी बादल फटा और नेशनल हाईवे का एक हिस्सा सैलाब की भेंट चढ़ गया। इससे केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कल रात की बारिश में मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में पुल बह गए। इसके अलावा हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर से भी जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, पौड़ी, मंडी और रामपुर की। ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो आसमानी मुसीबत है वो कहर बनकर धरती पर टूट रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग इलाकों से जुड़ गए हैं, क्योंकि कुछ इसी तरह की जो तस्वीर है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। दिल्ली से अनिल वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानव कश्यप दिल्ली से हमारे साथ हैं, तो राकेश जोशी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अनिल का रुख यहाँ पर करते हैं। अनिल, कल शाम की बात करें, झमाझम बारिश दिल्ली NCR में हुई और उसके बाद एक बार फिर से वही आलम देखने को मिला। जगह जगह जल भराव की समस्या हो गई और लोगों की परेशानी इस बारिश ने एक बार फिर से बढ़ा दी। जी अंकिता, मैं बताना, कल रात से जिस तरीके ने कहर बरसाया है दिल्ली वालों पर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, चाहे वो घर हो, सड़क हो या कोई भी इलाका हो। आप देख सकते हैं कि इस घर में भी आप पानी देख सकते हैं कि अभी इस घर के अंदर मैंने जाकर देखा कि लोग घरों के अंदर नहीं रह पा रहे हैं और खाना तक नहीं बन पाया इस घर के अंदर। आप देख सकते हैं, चाहे वो गली हो या मोहल्ला, कोई भी इलाका हो दिल्ली का, वो हर तरफ सिर्फ पानी में ही डूबा नजर आएगा आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। एक ही रात ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। अब ये सोच रहे हैं कि अभी तक 5 दिन की बरसात का हाई अलर्ट जिस तरीके से जारी हुआ है, आप सोच सकते हैं कि अभी पहली बरसात के अंदर पूरी की पूरी दिल्ली जो है जलमग्न हो गया है, तो आने वाले समय में क्या हाल होगा। मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समर सीवर निकाल कर अपने घरों का पानी निकालने को मजबूर है, क्योंकि घरों के अंदर रहना दुश्वार हो चुका है, घरों में पानी भर चुका है, लोग सो नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे, खाना तक नहीं बना पा रहे, पूरा का पूरा जो सामान है वो जलमग्न हो चुका है। मुख्य घर के हालात कैसे हैं? घर बिल्कुल डूबे पड़े हैं जी हमारे। ये देखो, ये घरों का हाल ये है, हम तो यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट की हमने विधायक जी से, काउंसलर जी से और इनसे, सांसद जी से। पानी क्यों नहीं निकल पा रहा, क्या वजह है? पानी की वजह यह है, हमारे जो नाली थी उसको रोक दी गई और ये 4-5 फुट ऊपर मिट्टी करने की वजह से नालियां हो गई बंद और आगे पानी जा नहीं रहा। बच्चा, आपके घर की हालत बताएं। सर, हमारे घर की हालत ये है कि अंदर नाला भी नहीं निकल पा रहा है, हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे तो घर में बैठे पानी स्कूल मतलब शिक्षा भी नहीं पा रहे हैं, बताओ ये दिक्कत है यहाँ पे। काम पूरे घर के अंदर पानी भरा पड़ा है या घर भरा पड़ा है, ये देखिए ना, गरीब की हालत देखिए, हम लोग क्या करें, न बच्चे पढ़े हैं, न हम काम पे जाए, हम खाएंगे क्या, न बच्चे पढ़ाएं, क्या करें हम लोग। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग परेशान हैं जल भराव को लेकर, घरों के अंदर पानी है, खाना नहीं बना पा रहे, लोग ग्राउंड फ्लोर छोड़कर ऊपर की छत पर रहने को मजबूर है, ऊपर वाले कमरे में। तो आप देख सकते हैं ये हालात है दिल्ली के। पहली बरसात जिस तरीके से रात को बारिश हुई है, वैसे तो कई बार बारिश हुई, हमेशा पोल खोलती हुई नजर आई है सरकार की, क्योंकि कहीं ना कहीं MCD हो चाहे कोई भी विभाग हो, इनके सुनने को तैयार नहीं है और अपना काम जिस तरीके से लोग करते हैं, आप साफ जाहिर देख सकते हैं जिस तरीके से जल बगर हो अफवाह पड़ा पूरी की पूरी दिल्ली।
और किस तरीके से पोल खोलती हुई नजर आ रही है विभाग की। बिल्कुल, तो लोगों की जो परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। मानव, जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली की मेयर ने ये दावा किया था कि अब जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, परेशानी नहीं होगी, और इसके पहले भी कई तरह के दावे वो करती हुई नजर आई हैं, बावजूद उसके जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर देने वाली हैं और दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप कौन से इलाके में खड़े हुए हैं और वहाँ क्या कुछ स्थिति है, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं। वही एरिया के अंदर आते हैं और मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया हूँ राजेंद्र नगर तक, कि जाम उस तरीके से वहां पर लग चुका है बारिश के कारण, पानी भराव के कारण, जिसकी वजह से हम लोग वहां पर पहुंच ही नहीं पाए हैं। और मुझे यहां पर रोड पर से यहां पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। आपको पता है जिस तरीके से आपने बताया कि सैली ओबराय जो कि दिल्ली की मेयर है एमसीडी के अंदर, उनका भी यही कहना था कि इस बार दिल्ली वासी जो मॉनसून है उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जो इनके वादे थे, जो इनकी जो बड़े बड़े इन्होंने दावे करे थे, वो सारे के सारे यहाँ पर झूठ साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कल इसी को लेकर राजेंद्र नगर में आपने देखा हो तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से लगातार दोबारा से पानी वहां पर भरा हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्र थे वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए वहां पर फिर भी नजर आए। वहां के जो विधायक है दुर्गेश पाठक, वहां पर आपने देखा भी हो किस तरीके से पानी के अंदर उतरे और बड़े बड़े वादे जो उन्होंने करे थे। कल आशीष जी वहां पर पहुंची थी, दिल्ली मंत्री, उन्होंने ये वादे करे थे कि इस बार जो जल भराव है वो यहाँ पर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी मात्र 30 मिनट की बारिश के अंदर फिर से ही 4-4 फुट तक वहां पर पानी भरा हुआ नजर आ गया। उसके बाद दुर्गेश पाठक जो एमएलए हैं वहां के, वो वहां पर पानी के अंदर उतरे और लोगों को आश्वासन देते हुए नजर आए कि हम लोग इस बार जो पानी की जो समस्या है उसको खत्म करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार भाजपा भी इसके अंदर पलटवार करते हुए यही कहती हुई नजर आ रही है कि इनके जो वादे थे, जो कस्मे थे, वो सारे के सारे यहाँ पर झूठे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का इसके अंदर अगला क्या कदम रहने वाला है, तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल मानव, तो वादे और दावे दोनों ही यहाँ पर झूठे साबित हो रहे हैं। मॉनसून इंजॉय करना तो दूर, हादसों से भी लग नहीं रहा है कि जो दिल्ली की सरकार है या जो एमसीडी है वो सबक लेते हुए यहाँ पर नहीं नजर आ रही है, और एक बार फिर से बारिश के बाद वही स्थिति, वही आलम देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया भी, दोबारा तो उस चीज को मैं रिपीट करना चाहूंगा। अब इसके अंदर जो नई अपडेट सामने आ रही है, मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट जारी करा, इसके अंदर आज का भी रेड अलर्ट जारी है, उसके बावजूद भी अब किस तरीके के यहाँ पर जो व्यवस्था को लेकर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने किस तरीके से यहाँ पर मुहैया कराई है वो अब तक कुछ भी सड़कों पर देखने को नहीं मिल रही है। आपको पता है जकीरा पुल से लेकर पंजाबी पार्क तक यहाँ पर लगातार जाम लगा हुआ है पानी भराव के कारण, और मोटर से पानी को दूसरी साइड में फेंका जा रहा है। अगर इसमें बात करें कांग्रेस की, तो कल आपने देखा होगा संसद के अंदर जो नई संसद है उसके अंदर भी पानी भरा हुआ नजर आया, तो कांग्रेस ने लगातार पलटवार करते हुए इसके अंदर भाजपा को निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक का मामले से इसको जोड़ते हुए नजर आया कि पेपर लीक तो हो ही रहा है, साथ साथ में अब संसद भवन भी लीक करता हुआ नजर आ रहा है, रोड की सड़कें भी यहाँ पर लीक करती हुई नजर आ रही है। तो तमाम ऐसे वार करते हुए यहाँ पर कांग्रेस भी यहाँ पर भाजपा में नजर आ रही है, और यूपी से जो अखिलेश यादव है उनका भी बयान सामने आया था, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि हम लोग पुरानी संसद से दोबारा वापस जाना चाहेंगे कि जो नई संसद बनी है इसके अंदर अभी पानी टपकता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार राजनीति भी इसके अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन बात वही है कि दिल्ली वासियों को आखिर इस चीज से समाधान है आखिर कब मिलेगा। कल भी आपने देखा होगा कि सब्जी मंडी से मामला सामने आया जिसके अंदर इमारत ढह गई थी, उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक स्कूल की दीवार वहां पर गिर गई और काफी जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त वहां पर नजर आई। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश हल्द्वानी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पहाड़ से जो तस्वीर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है, डराने वाली तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। जिस तरह से जो बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है और इसने लोगों की दिक्कतें, लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ा दी है। अंकिता, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा एक बार फिर से 2 दिन का भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद से आप देखिए कि उत्तराखंड में खास तौर पे जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, तो उसने पूरे पहाड़ों में लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें, चाहे पहाड़ टूटने की बात करें, तो लगातार बादल फटने का की खबरें लगातार पहाड़ों से देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताया जिस तरीके से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में बादल फटने से
था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जिसके बाद से 250 जो श्रद्धालु थे वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, जिसको बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जो है मुस्तैद है, उनको बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें, क्योंकि अभी एक दिन का समय और है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा 2 दिन का भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था, जिससे आज स्कूल के जो 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो छात्र छात्राएं थे उनकी भी जो है छुट्टी कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर जिस तरह से पिछले 12 घंटे से राकेश आपको रोकना चाहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है इन हालातों को लेकर, वो सुन लेते हैं। जनजीवन को सामान्य करना और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उस सब पर सभी का है और आगे क्षेत्र उसी के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आकलन किए बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाढ़ गधेरे हैं या जहां पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहाँ जरूरी है वहाँ पर विस्थापन या पुनर्वास। तो राकेश, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी यहाँ पर सामने आ गया है, उनका कहना है कि साफ तौर पर उन जगहों को चिन्हित अब यहाँ पर किया जाएगा जो संवेदनशील हैं, जहाँ पर भूस्खलन का खतरा ज़्यादा है, और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, उनका विस्थापन वहाँ से करवाया जाएगा। यानी कि प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल अंकिता, बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी बयान दिए है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर खासतौर से, क्योंकि रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें, चमोली की बात करें या बागेश्वर की बात करें, तो लगातार जो बादल फटने की जो घटनाएं सामने आ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो आसपास के जो गाँव के बसे हुए लोग है वो भी कहीं ना कहीं खतरे की जद पर है, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी बयान दिए है। जो लोग गाँव जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं उनको वहां से सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए आला अधिकारियों को। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 1 दिन का और भारी रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी हालांकि मुस्तैद है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग में केदारनाथ में बादल फटने से लगभग 250 श्रद्धालुओं की फंसने की सूचना सामने आई, तो उसको भी बचाने के लिए लगातार श्रद्धालुओं को बचाने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां लगा दी गई है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, उससे लगभग उत्तराखंड राज्य में 9 से 10 लोगों की मौत की संख्या जो है सामने देखने को मिल रही है, और कई लोग यहाँ लापता होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल की अगर हम बात करें, कल हल्द्वानी से ग्वाला नदी में 8 साल का एक बच्चा पानी के बहाव में बह गया, जिसको ढूंढने के लिए लगातार सिटी मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, और उस 7 साल के बच्चे को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ग्वाला उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, जहां भारी बारिश जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती है तो इसी नदी का जल स्तर उफान पर रहता है, और इसी नदी पर कल 7 साल का बच्चा पानी के बहाव में बह गया, जिसको ढूंढने के लिए लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां लगा दी गई है। बिल्कुल राकेश, यहां पर पूरी कोशिश कवायद यहां पर की जा रही है ताकि लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया जाए, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, लेकिन सबसे गंभीर सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि पहाड़ों में आखिर इस तरह की जो स्थितियां हैं क्यों लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्यों लैंडस्लाइड के मामले यहां पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से विकास लगातार पहाड़ों पर चल रहा है, जिस तरह से सुरंग बनाई जा रही है, रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से निर्माण कार्य पहाड़ों में हो रहा है, क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिस तरह से भूस्खलन लैंडस्लाइड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? बिल्कुल अंकिता, आपने जिस तरह से बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पहाड़ एक प्रकृति की देन है, और जिस तरह से पहाड़ों में बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही है, हालांकि विकास जरूर हो रहा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो पहाड़ की
जो मजबूती है, जो पहाड़ की जो चट्टानों की जो मजबूती है और उसको जो है कहना चाहिए खतरा हो रहा है, जिसके बाद से जब मानसून का सीजन आता है तो वो पहाड़ जो है फटने की तैयारी में हो जाते हैं। और जिस तरह से लगातार अभी पहाड़ों पर विकास कार्य हो रहे हैं, केदारनाथ में विकास कार्य हो रहे हैं और पहाड़ों को काट कर बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि जो पहाड़ों की जो जो प्राकृतिक जो मजबूती थी वह जो है कहीं ना कहीं बेकार होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से पहाड़ को तोड़कर उसको बमों से उसका विस्फोट करके पहाड़ को जब तोड़ा जा रहा है सड़कें बनाने के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं जो प्रकृति के जो पहाड़ थे उनमें जो है खासा असर देखने को मिल रहा है। जय अंकिता। बिल्कुल, तो विकास का खामियाजा कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अनिल, अगर हम यहाँ पर दिल्ली की बात करें या शहरों की बात करें जो विकास की गति में आगे बढ़ चुकी है, बावजूद इसके जो समस्याएं हैं वो लोगों की कम होने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि जगह जगह जल भराव की समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है। लाख दावे यहाँ पर ज़रूर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किए जाते हैं, बावजूद उसके हर साल वही तस्वीर और वही स्थिति निकल कर सामने आती है। अंकिता, एमसीडी हो चाहे वो कोई भी विभाग हो, सबने ये ठान रखा है कि बरसात आने से पहले काम नहीं करना है और बरसात आने के बाद ही काम करना है। और मंत्री जो आतिशी जिस तरीके से बयान दे रही है, जिस तरीके मेयर ने बयान दिया अभी शैली ओब्राई ने, तो देखिए जब मुसीबत आती है तब ये लोग जागते हैं, उससे पहले क्यों नहीं। हर बार की तरह बरसात में जब लोगों का जो लोगों का घर डूब जाता है, लोग पलायन कर चुके होते हैं, लोगों की जान चली जाती है कई बार, उसके बाद ये लोग सोकर जागते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि उनको मुआवजा दो, उन पर कार्रवाई करो, इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन आपको बता दें जमीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि जमीन पर ये लोग काम करते ही नहीं है। अगर जमीन पर काम करते तो शायद ये स्थिति बार बार हर बार साल की तरह ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अभी आपने देखा लोग घरों से पानी निकाल रहे हैं, समर शिविर का जो मोटर है वो लगाकर पानी निकाल रहे हैं, उसके बाद पानी उसके बावजूद भी कम नहीं हो पा रहा है। कम ना होने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। भाई तो आपका नाम बता दें। भाई मेरा नाम जीतराम तिवारी है। क्या स्थिति है अभी इस वक्त आपके क्षेत्र को दिख रहा है? सबको दिख रहा है। घरों के अंदर पानी है क्या? घर में पानी भरा हुआ है। आप देख सकते महिला है हमारे साथ में, अभी ये बहुत देर से पानी निकाली। क्या नाम है आपका? सीरा जी, सबसे पानी भरा है बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल अनिल, ये लोगों की तकलीफ ही है जो गुस्से के तौर पर जाहिर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, और ये गुस्सा है प्रशासन को लेकर कि वक्त रहते अगर तमाम तरह के इंतजाम कर लिए होते तो इस तरह की स्थिति इनको नहीं झेलनी पड़ती, इस तरह के हालातों से इनको दो चार नहीं होना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TNP News। नमस्कार।